दोस्तों नमस्कार आदाब सत श्री अकाल न्यूज क्लिक के कार्यक्रम हफ्ते की बात के साथ मैं उर्मिलेश तो उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़े राज्य में मुख्यमंत्री के रूप में आदित्यनाथ योगी पुनः आसीन हो गए हैं और ये दूसरी बार वर्षों वर्ष बाद उत्तर प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री दोबारा सत्ता में उसने वापसी की है ये कोई साधारण बात नहीं है उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में तो योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी और यहां तक कि देश की राष्ट्रीय राजनीति में भी ये एक नई परिघटना है भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी मामलों के बहुत सारे जानकार खासकर जो आरएसएस को अच्छी तरह समझते हैं अब उनका भी ये आकलन है अनुमान है कि योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी में उनका कद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अमित शाह जी जो गृह गृहमंत्री हैं देश के लगभग उनकी बराबरी का हो गया है सुविधा के लिए आप गृहमंत्री अमित शाह जी को नंबर दो का आप कह लीजिए कि वो वो जाहिर है हैरारकी में नंबर दो ही रहेंगे क्योंकि गृह गृहमंत्री हैं देश के और ताकत के हिसाब से जो उनकी पकड़ है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पर उसके हिसाब से भी वो नंबर दो हैं हालांकि सीनियरिटी में राजनाथ सिंह को उनसे ऊपर माना जाता है लेकिन तकनीकी प्रश्न अपनी जगह होते हैं जो व्यवहारिक पक्ष है वो अपनी जगह होता है लेकिन अब माना यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप जो देश की है उसमें नरेंद्र मोदी जी के बाद अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ये बराबरी में पहुंच गए हैं यानी मोदी जी के बाद अमित शाह और योगी आदित्यनाथ उसमें अधिक से अधिक आप सुविधा के अनुसार कह सकते हैं कि पकड़ और मजबूती और आरएसएस की एक्सेप्टेबिलिटी के बाद के हिसाब से नरेंद्र मोदी नंबर वन अमित शाह नंबर टू और 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 योगी आदित्यनाथ नंबर थ्री लेकिन वो कब नंबर टू हो जाएंगे कब नंबर थ्री हो जाएंगे ये बताना मुश्किल है और कब नंबर वन हो जाएंगे क्योंकि माना यह जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी के रूप में जिन कुछ प्रमुख लोगों का नाम आता है कि आफ्टर ऑल नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के तौर पे आरएसएस की पहली पसंद उस समय थे जब लाल कृष्ण आडवाणी और नरेंद्र मोदी के बीच में एक प्रतिस्पर्धा सी दिखाई पड़ी थी और यह जो प्रतिस्पर्धा थी वो 2012 में ही गुजरात के तीसरे चुनाव यानी नरेंद्र मोदी जब तीसरी बार बने मुख्यमंत्री उसी समय दिखाई पड़ने लगी थी और उनको अल्टीमेटली भारतीय जनता पार्टी ने यानी आरएसएस ने भावी प्रधानमंत्री के रूप में बाद में एक्सेप्ट किया और चुनाव जब दो के हुए तो उनको दावेदार के रूप में उतार दिया गया माना यह जा रहा है कि 2024 में किन्हीं कारणों से अगर नरेंद्र मोदी स्वयं प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी बने रहते हैं प्रधानमंत्री पद के चेहरे बने रहते हैं तब बात दीगर है अदरवाइज संभव है कि आदित्यनाथ योगी को प्रधानमंत्री पद के चेहरे के तौर पर पे पेश किया जाए और यह भी संभव है कि 2024 का चुनाव चूंकि नरेंद्र मोदी की जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो ज्यादा मानी जा रही है तो यह भी संभव है कि उनकी अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़े और बाद में फिर ट्रांजिशन हो यानी यानी एक तरह से योगी आदित्यनाथ को फिर आगे बढ़ाया जाए यह भी एक संभावना है तो कहने का मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी के बाद भारतीय जनता पार्टी में सबसे कद्दावर जो नेता के तौर पे सामने लोग हैं उनमें आप कितने नाम ले लीजिए नितिन गडकरी अमित शाह राजनाथ सिंह इन सबके सब अपनी जगह हैं लेकिन योगी आदित्यनाथ अचानक अचानक मैं कहूँगा बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं और वो कब लखनऊ से दिल्ली के बीच की जो 550 किलोमीटर की दूरी है इस 500 50 किलोमीटर की दूरी को अभी उनके पास पांच साल बचा है यानी पांच साल के अपने कार्यकाल में उत्तर प्रदेश के वो क्या 550 किलोमीटर की दूरी को तय कर लेते हैं यह देखने लायक बात है दोस्तों मैंने यह सब जो बातें अभी कही हैं वो महज अटकले नहीं है एक जर्नलिस्ट के तौर पे इन बातों को सूत्रबद्ध करने से पहले मैंने आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को जानने वाले समझने वाले यहाँ तक कि आरएसएस से संबद्ध रहे लोगों से मैंने चर्चा भी की है इस पर आरएसएस के एक बहुत गहन जानकार एक बड़े ही गंभीर जानकार व्यक्ति ने स्वयं कहा कि उनकी कुछ समय पहले आरएसएस के एक बड़े टॉप पदाधिकारी से बात हो रही थी और उन्होंने जो बातें इशारों में कही वो बिल्कुल साफ थी कि भविष्य में आरएसएस अगर किसी एक व्यक्ति को सबसे महत्वपूर्ण मानता है नरेंद्र मोदी के बाद राजनीतिक नेतृत्व के लिए तो वो योगी आदित्यनाथ हैं और उनका गेरुआ वस्त्र धारण किया हुआ की हुई जो काया है उनका जो तौर तरीका है वह सब हिंदू राष्ट्र की जो धारणा आरएसएस की है उसके काफी नजदीक ले जाती है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बिल्कुल मूर्त कर देती है यह बातें आरएसएस के एक पदाधिकारी ने एक आरएसएस के जानकार बहुत गंभीर रूप से जो जानते समझते पत्रकार है लेखक है इस तरह के लोगों से भी कही तो इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि अगर योगी जी जो अब तक उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पे काम कर रहे थे उनकी जो राजनीतिक निजी महत्वाकांक्षाएं हैं वो सर्फ सिर्फ निजी अब नहीं रह गई हैं, आरएसएस भी उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है और उनको काफी गंभीरता से लिया जा रहा है आप देख लीजिए न जाने कितने चीफ मिनिस्टर आप पाएंगे जो भारतीय जनता पार्टी के हैं जो अलग अलग राज्यों में चीफ मिनिस्टर हैं और रह चुके हैं अभी जो हैं शिवराज सिंह चौहान योगी आदित्यनाथ से लेकर और तमाम मुख्यमंत्रियों से बहुत सीनियर हैं बहुत सीनियर हैं काफी अनुभव भी उनके पास है लेकिन वो आज की तारीख में अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री पद के अलावा उनके बारे में और कोई सोच नहीं दिखाई देती इसी तरह से राजस्थान में मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे वह भी दावे में कहीं नहीं सम, दिखाई देती इसी तरह से आप देख लीजिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रह चुके भारतीय जनता पार्टी के रमन सिंह साहब उनका भी कुछ नहीं ऐसा है जिसके बारे में कहा जा सके कि कहीं से कोई दावेदारी बनती है राष्ट्रीय स्तर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो रह चुके हैं फडणवीस साहब देवेंद्र फडणवीस उनको आप देख लीजिए कहीं से भी दावेदारी उनकी भी नहीं बनती तो आज की तारीख में अगर नरेंद्र मोदी के बाद भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी को भविष्य में भी बहुमत मिलता है लोकसभा चुनाव में और आरएसएस इस बात से कन्विंस होता है कि योगी आदित्यनाथ ही बेहतर होंगे तो कोई रोक नहीं सकता चाहे उनसे सीनियर लोग हों कैबिनेट में या कैबिनेट के बाहर लोगों को देखा जाए तो आज की तारीख में योगी आदित्यनाथ का जो कद है अब आप सडन बढ़ा है बल्कि यूं कहा जाए कि उनका जो ग्राफ जिस तरह से तेजी से बढ़ा है वो अनपैरल है क्योंकि देखिए नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले गुजरात में तीन बार प्रधानमंत्री रह चुके थे और यह भी अजीब संजोग है कि 2012 में वो जैसे ही गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में पुनः स्थापित हुए तीसरी बार वैसे ही उनके प्रधानमंत्री पद के दावेदार बनने की चर्चा शुरू हो गई लेकिन दोस्तों एक बड़ा फर्क है और यही जो फर्क है ये बताएगा या भविष्य की रणनीति को एक तरह से डिफाइन या रीडिफाइन करेगा और वो फर्क है नरेंद्र मोदी जी और योगी जी में कि गुजरात के मुख्यमंत्री होने के नाते उनका भारत के बड़े कारपोरेट समूहों से पहले से बहुत बढ़िया तालमेल था बहुत अच्छा रिश्ता था योगी जी चूंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन या हेवी इंडस्ट्री या प्राइवेट सेक्टर का उतना दबदबा अभी तक नहीं है इसलिए उनका जो निजी रैपो है व्यक्तिगत जो उनके तालमेल या रिश्ते हैं वो भारत के बड़े कारपोरेट समूहों के मालिकानों से उतने बेहतर नहीं हैं और इस बात को कोई भी आज इनकार नहीं कर सकता कि भारत में सर्वोच्च पदों पर जाने या पहुंचने के लिए या बड़ी राजनीतिक सफलता हासिल करने के लिए यहां तक कि चुनाव में भी अच्छी सफलता हासिल करने हासिल करने कराने के लिए पार्टियों को भारत के कारपोरेट जो समूह बड़े हैं उनका भी कोई ना कोई कंसिडरेशन जरूर आपको समझना पड़ेगा कि उनकी क्या स्थिति है वो किधर उनका झुकाव है किधर उनका रुझान है तो योगी आदित्यनाथ अभी कारपोरेट समर्थन के मामले में उतने कारगर नहीं है जितने कारगर 2012 में नरेंद्र मोदी को समझा जा रहा था या माना जा रहा था लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं कि अभी जो शपथ ग्रहण समारोह लखनऊ में कल हुआ है शुक्रवार को उसमें बताया जाता है कि देश के 40 से अधिक कारपोरेट समूहों के रिप्रेजेंटेटिव थे मैंने संख्या तो नहीं देखी है लेकिन कहीं मीडिया में मैंने इस तरह की रिपोर्ट देखी और भारत के जो टॉप कारपोरेट जो समूह हैं टॉप उनके नुमाइंदे भी लखनऊ के शपथ ग्रहण समारोह में उस विशाल स्टेडियम में मौजूद थे उनको भी एक तरह का वीआईपी ट्रीटमेंट के तो ट्रीटमेंट दिया जा रहा था और विशेष बुलावे पर उनको वहाँ आमंत्रित किया गया था बहुत सारे मुख्यमंत्री थे बहुत सारे बड़े राजनेता थे और देश के प्रधानमंत्री गृहमंत्री रक्षा मंत्री और गडकरी साहब इसके अलावा तमाम बड़े बड़े दिग्गज नेता वहाँ मौजूद थे गैर भाजपा जो शासित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री तो नहीं थे लेकिन जो सहयोगी दल के मुख्यमंत्री हैं जे डी के नीतीश कुमार जी ज़रूर मौजूद थे विपक्ष के नेता जो उत्तर प्रदेश के हैं वो शपथ ग्रहण में नहीं दिखे खासकर अखिलेश यादव मायावती जी भी नहीं दिखीं कांग्रेस का भी कोई ने बड़ा नेता नहीं दिखा तो ले देकर जो कल का शपथ ग्रहण था शुक्रवार का वो बहुत ही वो भी भव्यता की अलग कहानी कह रहा था तो दो जो सत्रह का चुनाव था और जो वो शपथ ग्रहण था आपको याद होगा 2017 के चुनाव में मुख्यमंत्री के रूप में चेहरा नहीं थे योगी आदित्यनाथ उनका जो चयन हुआ था मुख्यमंत्री के रूप में ऑल ऑफ सडन हुआ था इसके पहले मनोज सिन्हा का नाम लिया जा रहा था लेकिन आरएसएस की अपनी पसंद जो थी वो आदित्यनाथ योगी थे और वो उनका चयन फाइनली हुआ लेकिन शपथ ग्रहण जब हुआ तो उसमें विपक्ष के नेता भी आए थे और तमाम दिग्गज भी आए थे लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ इस बार स्वयं मुख्यमंत्री के रूप में वो न केवल मौजूद थे निर्वर्तमान मुख्यमंत्री के रूप में बल्कि भावी मुख्यमंत्री के रूप में भी वही सामने थे तो बहुत दिलचस्प ये 2017 से लेकर 2022 के बीच की यात्रा है तो मैंने बताया कि 2012 में गुजरात में मुख्यमंत्री जो बने थे बने जब तीसरी बार नरेंद्र मोदी और फिर दो में प्रधानमंत्री पद के लिए उन्होंने दावेदारी पेश की आज की तारीख में एक तुलना के लिए मैं सिर्फ नहीं कह रहा हूँ लेकिन बहुत ही दिलचस्प ये मुकाम है बहुत ही दिलचस्प ये राजनीतिक समय है जब भारतीय जनता पार्टी जिस जो अपने आप को इस समय सबसे बड़ी ताकत के रूप में महसूस कर रही है क्योंकि विपक्ष उसकी चुनौती का मुकाबला करने में फिलहाल अक्षम दिख रहा है वैसे वक्त का कोई नहीं जानता वक्त कब रंग बदल दे कब स्थितियां बदल जाएं अचानक कोई नहीं जानता इसलिए राजनीति में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती लेकिन एक भविष्यवाणी जरूर की जा सकती है जो भविष्यवाणी नहीं है बल्कि आकलन है और वो ये कि आज की तारीख में देखते देखते योगी आदित्यनाथ जिन्हें इस रूप में 2017 तक नहीं समझा जा रहा था आज वो भारत के भावी प्रधानमंत्री के रूप में समझे जा रहे हैं कंसीडर किए जा रहे हैं खासकर आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की सर्किल में अब देखना होगा कि आगे क्या होता है बिल्कुल आखिर में चलते चलते दोस्तों कि ये जो दिलचस्प वाक्य है राजनीति का इसमें एक अगर एक पार्टी के लेवल पर जो एक कद एक क्रम क्रम जो दिखाई देता है उसमें योगी आदित्यनाथ फिर बहुत बड़ी छलांग वो लगा चुके हैं और भारत के गृह मंत्री अमित शाह राजनाथ सिंह न केवल उनकी बराबरी में हैं बल्कि बल्कि यूं कहा जाए कि वो एक बहुत ही चमकते हुए व्यक्तित्व के रूप में आरएसएस की तरफ से प्रोजेक्ट किए जा सकते हैं और किए भी जा रहे हैं अभी हाँ हमने देखा कि आ, कुछ विदेशी पत्रिकाओं में भी उनके विज्ञापन भी छप रहे हैं तो ये सब चीज़ें जो हैं अब देखना यह है कि भविष्य में वो क्या स्ट्रेटजी एडॉप्ट करते हैं या आर किस प्रकार की सहमति उनको देता है आर क्या रणनीति बनाता है वो किसी और नाम के बारे में सोचता है या योगी आदित्यनाथ पर ही वो बिल्कुल अडिग रहता है ये मैं समझता हूं कि इसके बारे में अभी कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है यह भी देखना होगा कि ये पांच साल का जो कार्यकाल अभी शुरू हो रहा है उसको मुख्यमंत्री के रूप में आदित्यनाथ कैसे उसका निर्वहन करते हैं ये भी बहुत कुछ निर्भर करेगा कि आगे की दावेदारी आगे की उनकी राजनीतिक यात्रा किस प्रकार की होगी और उनकी स्वीकार्यता समाज में कितनी बढ़ेगी और आर उनकी स्वीकार्यता को किस रूप में लेगा दो हज़ार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है इसीलिए दो का चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण है दो में आर के सौ साल पूरे हो रहे हैं और सौ साल पूरे होने की जो भव्यता या यूं कहा जाए कि उसकी जो खुशहाली इसका इसका जो पूरा साल का जो अपना अपना जो वो वर्ष मनाएंगे सौ साल का वो 2024 से ही शुरू हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में लोकसभा का अगला इलेक्शन आर एस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और वो हर कीमत पर चाहेगा कि चुनाव वो जीते और इसीलिए मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश का ये चुनाव भी उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था और उसने कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी जो जीतने के लिए तो अब देखना है कि ये दो दो उप मुख्यमंत्रियों के साथ जो एक जम्बो कैबिनेट शपथ जो ली है योगी आदित्यनाथ की वो उत्तर प्रदेश को कैसे चलाती है वो बुलडोज़र उसका प्रतीक होता है या अस्पताल विद्यालय खुशहाली खेती बाड़ी इन चीज़ों पर ज़्यादा जोर देता है तो इन शब्दों के साथ दोस्तों आज बस इतना ही नमस्कार आदाब सत अकाल